किस प्रकार कराया जाएगा थाना क्षेत्र में नियमों का पालन, इस पर बात की हमारे संवाददाता ने सीएसपी पुनीत गहलोत से। इंदौर में लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे लॉकडाउन का पालन किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर अन्नपूर्णा एसपी पुनीत गहलोत जी। सर, आपके अंडर आने वाले थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, देखने में भी आ रहा है जनता को सजा के तौर पर उनसे व्यापन करवाया जा रहा है। जी, ये फ्लैग मार्च जो है एक रूटीन एक्सरसाइज है। इसके बेसिकली दो पर्पस हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ फोर्स सुनिश्चित करना और इसके साथ ही एक जो लगातार जो एक अवेयरनेस का जो काम है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत देना, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना, ये सब काम भी हम फ्लैग मार्च के जरिए लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक जो व्यायाम वाला जो एक तरीका है, वो जनरली ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन कर्फ्यू के समान नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, ये लोगों की सेफ्टी के लिए और इस बीमारी को कंटेन करने के लिए किया गया लॉकडाउन है। तो इसमें किसी भी प्रकार का हार्श पनिशमेंट ना देखते हुए अलग अलग तरीकों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता सड़कों पर ना निकले, जिनमें व्यायाम करवाना भी एक उसका एक अहम हिस्सा है। जी सर, कुछ क्षेत्रों में शक्ति बढ़ती जा रही है और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे पहले प्राइमरीली जैसे बेसिकली ये हो रहा है कि बेवजह कोई भी अब नहीं निकल रहा है, लोग मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। जो लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ मैक्सिमम लोगों का जेन्युइन रीजन है, जैसे मेडिकल हो गया या फिर कुछ राशन की बहुत ज्यादा समस्या अगर उनको है तो लोग निकल के आ रहे हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनका अगर कोई जेन्युइन रीजन है उनका घर से बाहर निकलने का, तो हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं ताकि वो अपने आप अपने घरों को लौट जाए। इसके अलावा अगर जो तफ्ती करने और बेवजह जो बाहर घूमने वाले हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, आने वाले दिनों में हो सकता है शहर की जनता को घर से निकलने की परमिशन दे दी जाएगी, उसके लिए क्या थाना क्षेत्रों में क्या बंदोबस्त रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करवाया जाएगा? डेफिनेटली जो एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। जो एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए जो जो डिसीजन लिए जाते हैं, ग्रेजुअल वे में जो लॉकडाउन अगर लिफ्ट होता है तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस जिस सेक्टर को खोला जाएगा, उस सेक्टर के प्रतिनिधियों से हम पूर्व में वार्ता करेंगे, और सपोज अगर किराना शॉप्स ओपन होने का डिसीजन होता है तो हम एरिया के सभी किराना व्यापारियों से बात करके कैसे उनके यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, इस संबंध में उनको प्रॉपर डायलॉग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए।